रांची में अवैध रूप से बने 200 मकान तोड़े जाएंगे। सेवा सदन अस्पताल को मिला 15 दिन का समय। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। रांची नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि रांची में नगर निगम क्षेत्र और आरआरडीए क्षेत्र में अवैध मकानों को चिन्हित किया गया है। अवैध रूप से बनाए गए मकानों को नगर निगम के कोर्ट से नोटिस दिया गया है। करीब 200 मकान अवैध पाए गए हैं। इसको तोड़ने का आदेश दिया जा चुका है। बाकी मकानों पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि हमारा भवन नक्शा बायलॉज 1974 के पहले बना है, तो मैं उन लोगों से यह कहूंगा कि उन्हें प्रमाण देना होगा कि उनका मकान 1974 से पहले बना है। उन्होंने कहा कि आपको यह भी बता दें कि ऐसा कोई भी दस्तावेज हमारे सामने नहीं प्रस्तुत किया गया है जो यह साबित करता है कि उनका मकान वैध है और उसे गलत तरीके से नोटिस दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कई मकान अवैध बनाए गए थे और वे सब टूटेंगे, यह निश्चित है। ग्रामीण क्षेत्र के 485 घरों को तोड़ने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। साथ ही 15 दिन के बाद सेवा सदन अस्पताल की ओर से नगर निगम को अगर कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है तो उसे तोड़ा जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि 15 दिन का समय काफी है। इन 15 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार द्वारा मनोनीत नक्शा दिखाने पर ही तोड़ने की कार्रवाई रोकी जा सकेगी। क्यों टाइम मिला, उसमें क्यों टाइम मिला, तो उससे निर्णय जो है प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उससे जो फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, जिन फैक्ट्स और एविडेंस की बेसिस पे आप चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट वी कैन नॉट करेक्ट इन फैक्ट, बिकॉज आप अगले दिन नहीं कर सकते। और अगर होता तो आप देते। अच्छा, चलिए मान लिया कि अगर आपने नहीं दे पाए, तो आप नहीं दे पाए तो आपके पास है, फोरम्स हैं, अथॉरिटीज हैं, जिसको आप दे के आप कहिए कि हमारे पास है। लेकिन पुनः मैं दोहराता हूँ कि रांची नगर निगम इस अवैध निर्माण के पूर्णतया खिलाफ है, और अवैध निर्माण को लेकर डेफिनेटली वाटर बॉडीज हमारी प्रायोरिटी है। हम लोग उसके किनारे जो है इसको पहली प्रायोरिटी में टीम लगाकर हम लोग कर रहे हैं। अभी दो दिनों में हम लोगों ने, जब बहुत बारिश हुई थी तो हम लोगों ने ड्रोन भी ऊपर उड़ाया था, और ड्रोन से भी हम लोगों ने थोड़ी रेखी करी है कि पानी कहाँ तक पहुँच पा रहा, उसकी भी एक रिपोर्ट हम लोग बनवा रहे हैं। अभी आने वाले समय में हम लोग, सचिव महोदय का डायरेक्शन है कि हम लोग पूरी जो है पूरे शहर का जो है हम लोग एक GIS मैपिंग कराकर, और हम लोग इवन जितनी बिल्डिंग्स है उसका 3D मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं। 3D मॉडल प्रिपेयर करने के अलावा वो अभी नेसेंट स्टेज पे है, डिस्कशन में है, इट विल टेक टाइम, बट हम लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। बहुत जल्द उसके रिगार्डिंग भी हम लोग निविदा वगैरह निकालेंगे कि पूरे शहर का एक 3D मॉडल, 3D स्ट्रक्चर, और उसमें जो गलियाँ बनी हुई हैं टाइप का, जो सड़कें बनी हुई हैं, उसका एंड टू एंड विड्थ, वो भी हम लोग उसको कलेक्ट कर लें। सो फ्यूचर में क्या रहता है कि एक ही सड़क जो है वो 18 फीट 20 फीट की जा रही है, जाके 13 फीट की हो जाएगी, फिर वो 22 फीट की हो जाएगी। तो ये 13 फीट 20 फीट की जो वो आपको बहुत सिमेट्री नहीं दिखाई पड़ती कई बार चीज़ों के भीतर, तो जो कन्फ्यूज़न रहता है उसको हम लोग उसको उस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक उसमें स्टैटिक डाटा भी हम लोग जनरेट कर रहे हैं कि आज 2021 की तारीख में रांची शहर का 3D स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, ये 8 माले की बिल्डिंग है तो 8 माले के रेशियो में दिखेगा, और ठीक इसके बगल में मान लीजिए जयपाल सिंह स्टेडियम फॉर एग्जाम्पल अभी खाली है, तो अभी दिखेगा कि ये अभी खाली है, वैकेंट लैंड है टाइप का, या कम स्ट्रक्चर वाली जगह है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो 21 के बाद वी कैन क्रॉस चेक कि अच्छा 21 में क्या था, 22 में कैसा दिखा, 23 में कैसा दिखा। तो वो एक इंस्टीट्यूशनल वर्क है, संस्थागत कार्य। आज हम शायद करेंगे तो 5 साल 10 साल के बाद लोगों को भी, पदाधिकारियों को भी ये सहूलियत होगी ये देख पाने में कि किस सड़क का अतिक्रमण हुआ या नहीं हुआ। और ये जो कई बार हम लोग फैब्रिकेट कर देते हैं कि हम तो एकदम एक जमाने से रह रहे हैं, अपने ग्रैंड ग्रैंड फादर के टाइम से रह रहे हैं टाइप का, इसको भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं एक प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस की बेसिस पे। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और पूरी एक सूची है तकरीबन जो 200 बिल्डिंग है उधर, और आरआरडीए को चूंकि हमने लास्ट मिनट कहा तो वो भी एक सूची बना के आपको, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग दे सकते हैं, बड़ी सूची है। ठीक है, मैं ज़रूर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम लोग ने अगर कहा कि 200 भवनों के ऊपर अवैध निर्माण की कार्रवाई चल रही है, तो आप ज़रूर बताएं कि भाई जैसे इस तरह का एक हम लोगों ने ये जैसे बना हुआ है, तो ये हम लोग, ये भवन अनधिकृत रूप से निर्मित है। इस भवन पर रांची नगर निगम में अनधिकृत वाद दर्ज है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 437(4) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस अवैध संरचना को अपसारण करने का आदेश दिया जाता है। ये हमने आदेश की कॉपी ऑलरेडी दे रखी है। अब हम उस बिल्डिंग पे भी लगाएंगे जहाँ पे लोग इसको जो है 15 दिन के समय को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लगाने का मतलब एक चेतावनी है कि अब हम अगले दिन किसी भी दिन आके इसको हम तोड़ सकते हैं। सो दे कैन नॉट क्लेम कि नहीं मुझे एकदम ही पता नहीं चला और निगम की टीम आ गई। तो हमने चिट्ठी दे दी है
आदेश पारित कर दिया है, अखबारों में भी हम लोग यथासंभव भेज रहे हैं आप लोगों को, ताकि जो भी कवरेज हो जाए उससे भी लोगों को सूचनाएं मिल जाएं। इसके अलावा भी कोई चूक नहीं हो इसके लिए हम लोग ये सीट, अगर 200 घर हैं तो 200 घरों के ऊपर इसको हम लोग ठुकवा रहे हैं जाकर, ये टीन सीट पर बनी हुई है, इसको पेंट करा के हम लोग डलवा रहे हैं, उस पर ठुकवा रहे हैं। एक दो दिन के बाद हम लोग का लगभग 15 दिन आने वाला है, तो हम लोग माइकिंग प्रारंभ कर रहे हैं जिन जिन पॉकेट्स में 15-15 दिन आने वाला, और 15 दिन पूरा होने के बाद जो है हम लोग रिसोर्सेज भी मोबिलाइज पैरेलली करना शुरू कर दिया है, और डेफिनेटली टाउन प्लानिंग इसको लेकर प्लान कर रही होगी, उससे हम लोग विल स्टार्ट दिस ड्राइव। अगर एक का टूट गया तो ज़रूरी नहीं कि सर इसी का पहले टूट गया उसका कल क्यों टूटेगा, सो विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। इनफैक्ट एक अच्छी चीज़ यही है कि हम लोग कोई पिक एंड चूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ने अगर रेगुलर निगम को फॉलोअप करा हो, अगर आपने चेज करा हो निगम को, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कोई पिक एंड चूज नहीं कर रहे हैं। अगर 300 केसेस से ज़्यादा पर बाज़ार में दर्ज हुए हैं तो सबकी हेयरिंग होगी, ऑब्वियस है कि एक दिन में हम सारे केसेस एक जगह की टेकअप नहीं कर पाते हैं, हम लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर पा रहे हैं। तो जिस दिन 300 केसेस का होगा मेरिट पे, अगर उसमें 30 घर टूटने हैं तो 30 घर के 30 घर टूटेंगे, 300 घर टूटने हैं तो 300 घर के 300 घर टूटेंगे। तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी है कि अवैध निर्माण को अपसारित किया जाए, और ये अभियान जो है यूं ही चलता रहेगा, इसमें कोई रद्दोबदल की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो आदेश है आपके ज़रिए लोगों से अनुरोध है कि कृपया उस आदेश का सम्मान करें, सहयोग करें। आप वैध निर्माण के लिए जो है ज़रूर नक्शा डालें, उसमें हम लोग आपको अभियान चला के कैंप लगा के हम लोग नक्शे पास कर सकते हैं।